गादरचुक पुलिस एवं एसओजी पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार। मृतक का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त केमिकल की बोतल, कपड़े आदि बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के आदेश अनुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी ओझानी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कादरचुक बदायूं व एसओजी द्वारा थाना कादरचुक में सचिन कुमार पुत्र विनोद निवासी ग्राम लभारी थाना कादरचुक जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना कादरचुक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लभारी से गोपाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम लभारी थाना कादरचुक बदायूं उम्र करीब 18 साल दिनांक 8/9/2024 को शाम को लापता हो गया था। इसकी तलाश परिजनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई थी तथा इस संबंध में थाना कादरचुक पर 9/9/2024 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दिनांक 13/9/2024 को ग्राम लबारी के जंगल में सड़ी गली अवस्था में नरकंकाल बरामद हुआ। इसके पास कुछ कपड़े व शरीर के कुछ हिस्से, हाथ आदि बरामद हुए, जिसके आधार पर परिजनों द्वारा इसकी पहचान गुमशुदा गोपाल के रूप में की गई। परिणाम स्वरूप गुमशुदगी को तरमीम करते हुए थाना कादरचुक पर मृतक के भाई मोनू की लिखित तहरीर के आधार पर सचिन पुत्र विनोद निवासी ग्राम लबारी ने कबूल किया कि मैंने ही गोपाल की हत्या की। पूछताछ में बताया कि मैंने गोपाल को पहले 4-5 बियर के कैन पिलाए, उसके बाद नशे के हालत में जब वो चला तभी गिर गया। फिर उठने के बाद मैंने उसके सर पर ईंट मारी और वो गिर गया। उसके बाद एक ईंट उसके मुंह पर मारी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने उसके ऊपर 2 बोतल तेजाब डाला और लाश को झाड़ियों में डाल दिया। मुझे किसी ने बताया कि गोपाल के अकाउंट में 3 लाख रुपए, जिसको पाने की आशंका में मैं गोपाल का मर्डर किया। थाना कादर चौक में दिनांक 13/9 को 302 के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जो कि 8 तारीख से गायब लड़का गोपाल, जिसकी गुमशुदगी 9 तारीख को दर्ज हुई थी, उस संबंध में किया गया। ये साथ में जो तहरीर मिली उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। सचिन नाम का लड़का जो साथ में देखा गया था, पूरी टीम ने, हमारी इलेक्ट्रॉनिक टीम, थाने की टीम और एसओजी टीम ने पूछताछ के बाद उसने जुर्म का इकबाल किया और मृतक का मोबाइल बरामद कराया। साथ में जिस केन में वो एसिड ले गया था उस केन को बरामद कराया और जो चीज़ें बरामद की जुर्म इकबाल के आधार पर इसको आज जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। इसके लिए 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दे दिया गया है।